कांग्रेस में टिकटार थी वो छा रहे हो गए, इस करके आपको मुश्किल नहीं लगती? पहले कुश्ती अपनी है, कोई आए कोई जाए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार छोड़ी तो उस टाइम हरियाणा प्रदेश का कर्ज था सारा 69,000 करोड़ रुपया, आज 4 लाख करोड़ रुपया पहुँचा दिया। लोगों ने मन बड़ा रखा है 70 की 75 की 80 भी हो सकती है। हमने तो पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, पैसे कमाने में छह नहीं। बीजेपी छोड़ते वक्त डर नहीं लगा, जैसे आजकल ईडी की रेड का जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ हम पे ही ईडी की रेड पड़ रही है, पब्लिक में कैसी बातें चल रही हैं? सोमवीर सांगवान के 5 साल से खुश है पब्लिक? पब्लिक ने अगर टिकट दी तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप भी चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं और कांग्रेस में जो नॉमिनेशन चल रहा है वो कर दिया? भूपेंद्र हुड्डा को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जनता ने मन बना लिया। सरकार के अंदर घरबारी दरबारी व्यापारी कर्मचारी कोई भी ऐसा वर्ग है कोई खुश नहीं है। अब आने वाले टाइम में गुड़गांव की तरह को सबसे बेहतरीन जिला बनने जा रहे हैं, क्योंकि लगभग 1500 करोड़ रुपये दादरी की जनता को मैंने 2 साल के टाइम अपनी मेहनत से सरकार से लड़ झगड़ करके मैंने अपना ये काम करने में कामयाब हुआ हूँ। पीने का पानी 115 करोड़ का काम चल रहे हैं, चाहे बारिश का कितना है पानी हो, पानी नहीं भरेगा, उसका परमानेंट समाधान कराया। 5 साल कैसे बीते आपके? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा, फिलहाल चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान के साथ बैठे हैं और चुनाव की बयार, चुनाव की गर्म जोशी जो है वो शुरू हो चुकी है। ये गर्म जो हवाएं चल रही हैं ये शायद चुनाव की वजह से भी हों और बीच बीच में बारिश हो रही है वो एक संकेत है। तो फिलहाल सोमवीर सांगवान से पूछेंगे कि आने वाले वक्त में कुछ ही दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और इन 5 साल का क्या कुछ लोगों के सामने ये लेकर के जाएंगे, अब तक का जो अमली जामा इन्होंने पब्लिक के बीच में पहनाया, जो विकास की बातें करते थे वो कितना संतुष्ट कर पाएंगे पब्लिक को। तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल का और दर्शकों का तमाम भाइयों का मेरा आज जुड़कर नमस्कार। सोमवीर सांगवान पहली बार विधायक बने, काफ़ी जद्दोजहद रही, ये 5 साल कैसे बीते आपके? ऐसा है, इस 5 साल के दौरान 1.5 साल कोरोना, 13 महीना किसान आंदोलन और 6 महीने ये मेरे को तो सारा टाइम बीच में 2-1 साल का मिला। इस 2 साल के पीरियड के अंदर अपने तरफ से प्रयास किया कि काफ़ी काम कराने में मैं सक्सेस हुआ, कई समस्याओं का परमानेंट समाधान कराया। जिस प्रकार बारिश का पानी मेन मुद्दा था, 46 गाँव के अंदर जो पानी भरता था वो, और दादरी शहर जो हर बारिश के अंदर पानी भरता था, डूब जाता था, जलमग्न हो जाता था, उसका परमानेंट समाधान करवा दिया उन गांवों में भी और पूरे शहर में भी, चाहे बारिश का कितना है पानी हो, पानी नहीं भरेगा, उसका परमानेंट समाधान कराया। और पीने का पानी 115 करोड़ का काम चल रहे हैं, शेवर 56 करोड़ के काम चल रहे हैं, और ब्रिज के टेंडर हो चुके हैं 78 करोड़ 20 लाख के। गाँव के अंदर 288 स्कूलों के कमरे, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, सरकारी कॉलेज जनता कॉलेज लड़कियों के कॉलेज की घोषणा, उस पर जल्दी काम शुरू होने जा रहा है, सेक्रेटरेट बनने लग रहा है। सनसपुर के अंदर स्टेडियम बन रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, बहुत बढ़िया स्टेडियम बन रहा है। बाईपास दोनों 14 करोड़ महेंद्रगढ़ चौक से लेकर सनसपुर मोड़ तक, सनसपुर मोड़ से लेकर रावड़ी तक 3.5 करोड़, और 9 करोड़ रुपया रोहतक रोड से लेकर और भैणी रोड तक, चारों तरफ की बढ़िया कनेक्टिविटी। इसके अलावा जो जो भी गांवों की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी, 46 गांवों में पीने के पानी की समस्या थी, उनमें से 14 गांवों के अंदर काम कंप्लीट हो लिया या काम चल रहा है, बाकी का टेंडर चल रहे हैं, प्रोसेस है। तो हर समस्या का समाधान अपनी तरफ से प्रयास करा, लगभग 1500 करोड़ रुपये दादरी की जनता को मैंने 2 साल के टाइम अपनी मेहनत से सरकार से लड़ झगड़ करके मैंने अपना ये काम करने में कामयाब हुआ। बीजेपी सबका साथ सबका विकास बात करती है, वो खरी उतरी उन बातों पे आपको लगता है? है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की तो मैं नहीं कह सकता कितना विकास क्या करे, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ, अगर मैं पैसा बहुत ज़्यादा दादरी की ले गया, क्योंकि इसे किसान आंदोलन के बाद सरकार की कोई रैली जाट बहुल क्षेत्र में किसानों में रैली करने की हिम्मत नहीं थी, वो खट्टर साहब की रैली मैंने करवाई थी और उस रैली के एवज में जब समर्थन कर रखा था तो ये इतने काम ने अपना पैसा दिया, दादरी की जनता को मंजूर कराया, जो दादरी की बहुत सी समस्याएं थी, दादरी शहर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, शिवर का पेड़ का पानी बारिश का पानी सारा बुरा हाल, किसी ने 2 पैसे लगाए नहीं। अब कुछ आने वाले टाइम में नू महसूस होगा कि हाँ दादरी जिला है, अब आने वाले टाइम में गुड़गांव की तरह को सबसे बेहतरीन जिला बनने जा रहे हैं, क्योंकि बढ़िया कनेक्टिविटी और दिल्ली के नज़दीक होने के अंदर काफ़ी स्कोप है।
लेकिन लोग कहेंगे कि जब चुनाव का एंड होता है तब सरकार बड़ा दबा के काम करती है, और उस वक्त में आप सरकार को ही छोड़ आए, लोगों का तो नुकसान हो गया ना फिर। ऐसा है कि सरकार क्या काम करती है, दबाव में करती है, कब करती है। इस सरकार के अंदर घरबारी, दरबारी, व्यापारी, कर्मचारी, कोई भी ऐसा वर्ग है, कोई खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? सारी अव्यवस्था हुई, अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया, और जो डिजिटल सिस्टम जो उन्होंने कराया, पोर्टल वाला जो सिस्टम था, ऐसे जनता तंग है। रजिस्ट्री के लिए जाएं, लाइसेंस के लिए जाएं, एनओसी के लिए जाएं, बुरा हाल नीचे जिले के ऊपर तक तरह तरह मच रही है, तो इससे जनता खुश नहीं है। अब ये तो टाइम जो है फिलहाल जनता ने मन बना चुके हैं कि लोकसभा के बाद में जब ये 5 सीटें जीती, अब लोकसभा के चुनाव के बाद में तो हरियाणा के अंदर माहौल बन रहे हैं, जनता चाह रही है परिवर्तन चाहती है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन करके और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जनता ने मन बना लिया। तो आप भी चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं और कांग्रेस में जो नॉमिनेशन चल रहा है वो कर दिया? हाँ बिल्कुल, हम भी संगठन ने अगर टिकट दी तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक में कैसी बातें चल रही हैं? सोमवीर सांगवान के 5 साल से खुश है पब्लिक? पब्लिक नाराज कुछ थे, जो मैंने कुछ गलत कराया हो, मैंने कोई गलत भी नहीं कराया, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई बचौलिया नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, किसी की खुणस नहीं काटे, किसी का बुरा नहीं करा। 85 आदमी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा है ईमानदारी के साथ। नाराज जब हों जब हमने कुछ गलत कराया हो, जनता कर्म से सेटिस्फाई है, सब ने पता है कि सामाजिक आदमी है, कोई लाग लपेट नहीं है। बीजेपी छोड़ते वक्त डर नहीं लगा, जैसे आजकल ईडी की रेड का जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर्फ हम पे ही ईडी की रेड पड़ रही है, तो आपको डर नहीं है ऐसा कोई जांच वगैरह शुरू होगी तो विधायक की? भय उसको लगेगा जिसके नीत में खोट हो, जब नीत साफ है, गलत कराया है, नहीं तो भय किस चीज़ का? हमने तो पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, पैसे कमाने में इच्छा नहीं है, बचपन से शौक नहीं है, जितने जनता सेवा पर तो घर से लगाया, मैंने तो पैसे का शौक नहीं है। पैसा धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती मारने का नाम राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब है सेवा भाव, त्याग और तपस्या नाम राजनीति। तो लोगों ने माहौल बना दिया, सिर्फ पैसा लूटो खसोटो, ये काम नहीं था राजनीति का। राजनीति का तो एक बहुत बड़ा अलग से सिस्टम था, ये तो त्याग और तपस्याओं की धरती, संतों की धरती, यहाँ दौलत के पुजारी भ्रष्टाचारियों का काम क्या? लेकिन सारा माहौल ऐसा बन गया नीचे, लेकिन पूरा देश सब पैसे की तरफ भाग रहे, हाय पैसा हाय पैसा, कहाँ ले जाएंगे पैसे, खोटा करके मरेंगे, कई कई 1000 इकट्ठा कर रहे हैं, ईडी की जो रेड पड़ रही है, पैसा देखो कहाँ है, कितना पैसा आ रहा है। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, समाज हित में, देश हित में नहीं है। कांग्रेस में टिकटार्थी बहुत सारे हो गए, इस करके आपको मुश्किल नहीं लगती कि कांग्रेस की टिकटार्थियों में आपको आगे निकलना है? कई पहलवानों की लड़ाई है। ऐसा है कि पहले कुश्ती अपनी है, कोई आए कोई जाए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब इलेक्शन का मौसम होता है तो हर एक का अधिकार है अपनी ताल ठोकने का, चुनाव लड़ने का। जिसके भाग्य में मिलता है उसको मिलती टिकट, इसलिए जिसके भाग्य में लिख रखे हैं, अपना काम है कर्म करना, गीता के अनुसार जिसे अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो आदेश दिया, अब कर्म करे जा फल की इच्छा मत रख रहे हैं। हम तो 25-30 साल से लग रहे हैं, ये मौसमी तो कल आए, इनका तो कोई आधार नहीं है। दूसरी बात यह कि जनता भी समाज को देखती है, अच्छी तरह से परखती है, तो मैं नहीं समझता मुझे कोई दिक्कत आएगी। दावा तो आप लोकसभा का भी करते थे कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको टिकट नहीं मिली। अगर संगठन पार्टी टिकट लोकसभा का दे तो लोकसभा लड़ने तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर संगठन ने टिकट नहीं दी तो फिर कोई बात नहीं। कांग्रेस की टिकट लोकसभा के आपकी होती तो लगता है कि आप जीत जाते, यहाँ से टिकट एक और बढ़ जाती है? ऐसा है कि सब माहौल पर डिपेंड करता है। अब कांग्रेस का माहौल था, हो सकता है क्योंकि मैं नाम की कर्म की पहचान तो पूरी लोकसभा में कि पूरे हरियाणा प्रदेश में है, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मेरे कर्म से बाकी, अगर मौका मिलता तो अपनी तरफ से प्रयास करते, लड़ाई लड़ते, बाकी तो सारा खेल किस्मत का है। सब सौदा तकदीर का, मैं फकीर वाले, सारा खेल किस्मत का है। जिसका लिख रखे भाग्य में बनता है, धर्मवीर जी लिख रखी थी वो बन गया, दान सिंह जी विनिंग कैंडिडेट था लेकिन किस्मत ने कहीं पासा पलट दिया, वो हार गए। अच्छा, 75 पार का दावा 2019 में टिकट मांग रहे थे तब बीजेपी करती थी और 40 पे अटक गई, अब कांग्रेस 70 पार का दावा कर रही है, वो कहाँ पे अटकेगी? कहीं नहीं अटकेगी, लोगों ने मन बड़ा रखा है, 70 की 75 75 की 80 भी हो सकती है। कांग्रेस की इस टाइम आम जनता हर वर्ग खुश है, उनकी कार्यशैली जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का जो 10 साल का जो कार्यकाल था
वो सोबर आदमी है, सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी है। उसकी जो कार्यशैली, कितनी यूनिवर्सिटी, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से लगवाया, एम्स बनवाए, पावर प्लांट बनवाए, कितना काम किया इस सरकार के अंदर पिछले 10 साल से। तो मैं देख रहा हूँ कोई कोई पैसा था, कोई काम है नहीं। जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार छोड़ी तो उस टाइम हरियाणा प्रदेश का कर्ज था सारा 69,000 करोड़ रुपया, आज 4,00,000 करोड़ रुपया पहुँचा दिया, कोई ईंट नहीं लग रही, कहाँ पैसे। इस भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी, अगर आप मेरे से पूछते हो, चाहे देश हो चाहे परदेश हो, इन्होंने देश को बहुत पीछे धकेल दिया। क्यों धकेल दिया? ये 70-75 साल के बाद में जाति पाति लगभग ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने दोबारा उस जाति पाति के जहर को दोबारा स्टार्ट कर दिया। भाई भाई का खून का प्यासा हुआ, एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये हमारा समाज नहीं था। इस समाज के अंदर हम तो सामाजिक पंचायती आदमी हैं, खाप का मतलब छत्तीस प्रदेश। किसी का भी हमारे गांव में बहन बेटी किसी दूसरी गांव में बहाई जाती थी, वहाँ जाते थे तो उस चाहे किसी भी जाति की हो, उसको 100 रुपये सगुन दे के महसूस करते थे हमारी बहन। आज सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। ये सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, जो आपस में जाति पाति का जहर घोल के कर दिया, इसकी भरपाई आने वाले टाइम में भी नहीं हो। आप हुड्डा साहब का गुणगान कर रहे हैं, किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि बाबू बेटे की पार्टी, और हुड्डा साहब और बाबू बेटा जो हैं वो कभी किसी दूसरे को आगे नहीं आने देंगे, आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं। ऐसा है कि कोई किसी से रोकने नहीं रुकता, कुदरत का नियम है। आप जिसको दबाना चाहते हैं वो दबेगा नहीं, बशर्ते कि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आपने पूछना चाहिए था। आपकी एलर्जी, आपका टाइम, आपको पैसा, उसको दबाने में लग जाएगा, वो तो वहाँ जाए जैसे जाना होगा। जिसका भाग्य में लिख रखा है, कर्म कर रखे, उसको कौन रोकने वाला है? अभी किसी का बहाना बनाने से किरण चौधरी को किसने रोका? मंत्री थी, काम क्यों नहीं करा? समाज का काम करना चाहिए था। चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू थी, एक आइडेंटिफिकेशन चेहरा था, और वो टाइम के ऊपर जो है बीजेपी के अंदर चली गई। बीजेपी के अंदर तो बड़े बड़ों का इलाज होता है, वहाँ जाके जो बीजेपी के पास नज़दीक चला गया, जो भी पार्टी नज़दीक चला, उसका परमानेंट इलाज करते हैं, दोबारा गुंजा छोड़ते नहीं। जेजेपी को देखो, अजका को देखो, चौधरी बंसीलाल की विकास पार्टी को देखो, कौन सी पार्टी, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को देखो, और भी कोई जाके देख लेना, हम भी गए थे। ये तो इलाज करते हैं, इसमें टाट उठाने नहीं देते। किरण चौधरी मैं देखाता हूँ, वहाँ से वापस आए गई, आगे ये क्या हुआ मेरे साथ वहाँ। अच्छा, आपने पंचायतों के खाफ की बात की, लास्ट में कुछ पंचायतें भी मेरे को देखने को सुनने को मिली हैं कि यहाँ पे पंचायतें हो रही हैं, और कांग्रेस के टिकटार्थी के लिए तो कई जगह पंचायतें हो रही हैं, तो आपकी सांगवान खाप या ऐसे और खापें कर रही हैं कुछ आपके लिए? ऐसा है कि सारे समाज को पता है, अब पंचायतें भी चाहती हैं कि उसमें हमारी भागीदारी हो, खापे भी चाहते हैं हमारी भागीदारी हो, तो हरेक का अधिकार अपना लड़ाई लड़ना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई समाज किसी के लिए कहे, अगर अपने आदमी को आगे करना चाहते हैं, तो मैं तो इसको कोई गलत नहीं मानता। मुझे इस बात की, मुझे कोई जिलेस भी नहीं है, कोई भी कितने कैंडिडेट हो, कितने लक्ष्य लड़ने वाले हो, कितने आवेदन करो, उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कोई भी कर सकता है, तो इसमें जिलेस की क्या भावना है? लास्ट में मैंने बताता दी, हम तो सत्संगी आदमी है, सारी उम्र क्रम में गई है, कोई नशा, कोई फैशन, कोई शौक है नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ एक है सुबह से शाम तक किसी का हमारे हाथ से भला हो जाए, तो यही तो है राजनीति, जिंदगी का असली मकसद तो यही है ना, बाकी तो सारा सौदा झूठा है। वैसे चले जाएंगे कोई दिन भाव भाव करके, कौन कौन साथ चलेगा? इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी आए, हर भाई को मौका मिलना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, जिसको संगठन टिकट देगा चुनाव लड़ेगा। चलिए, तो ये थे सोमवीर सांगवान, और आपको दिख जाता है इनकी जब आप वेशभूषा से देखते हैं, भाषा शैली से देखते हैं, साधारण सी बातें करते हैं, आम जनता की तरह बातें करते हैं, आम व्यक्ति की तरह, और जब भी हम आते हैं इनकी कोठी में ये मिल जाते हैं अमूमन हमसे, आम जनता के बीच में होते हैं, कहीं ना कहीं एक विधायक ऐसा तो होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में हो और पब्लिक से ज़्यादा उसको गैप या ऐसा कुछ महसूस ना हो। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है वो तो गर्भ में है भविष्य के, लेकिन दादरी की जनता आने वाले वक्त में किसको चुनेगी और कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, दो बड़े सवाल हैं आने वाले वक्त में, वो क्या कुछ होने वाला है आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा जानती है। तब तक के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।